मुझे लगता है कि हमें अपना रेगालिया क्रेडिट कार्ड या तो रेगालिया गोल्ड में चेंज कर लेना चाहिए या फिर अपग्रेड कर देना चाहिए किसी और सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड में। रीजन कि जिस तरीके से लास्ट ईयर की शुरुआत में बैंक ने रिवॉर्ड पॉइंट्स पर चेंजेस लगाए थे, यानी रिवॉर्ड पॉइंट में जो है बदलाव किए थे, बहुत सारी जगह रिवॉर्ड पॉइंट बंद कर दिए गए थे, उसी तरीके से दोबारा इस साल की शुरुआत में भी बैंक ने फिर से एक मेजर चेंज जो है वो यहाँ रेगालिया क्रेडिट कार्ड में कर दिया है। अब रेगालिया हमारे लिए बेहतर रहेगा या फिर रेगालिया गोल्ड, क्योंकि दोनों के लिए एलिजिबिलिटी एंड फी क्राइटेरिया जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो जानते हैं इस वीडियो में रेगालिया क्रेडिट कार्ड के फीचर बेनिफिट की जो रेगुलर रेगालिया यूज कर रहे हैं या फिर अप्लाई करने जा रहे हैं या अपग्रेड करने जा रहे हैं, उनको आने वाले टाइम में यहाँ पर क्या क्या टर्म एंड कंडीशन या फिर क्या क्या फीचर बेनिफिट मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड रेगुलर अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। HDFC बैंक का रेगालिया क्रेडिट कार्ड एक लाइफस्टाइल कैटेगरी का प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड आपको ऑलमोस्ट सभी फीचर बेनिफिट ऑफर कर देता है, चाहे आपके शॉपिंग के बेनिफिट हो, ट्रैवल के बेनिफिट हो, रिवॉर्ड के बेनिफिट हो या फिर एयर ट्रैवल के दौरान लाउंज एक्सेस के बेनिफिट हो। बात करें क्रेडिट कार्ड के फीचर बेनिफिट की तो ये एक मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑनलाइन ऑफलाइन आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ₹150 की स्पेंडिंग आप करते हैं रिटेल पर या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पर तो यहाँ आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अब इसके अलावा बैंक यहाँ पर एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट्स का जो बेनिफिट है वो भी आपको दे रहा है। बैंक यहाँ पर आपको बोलता है कि अगर पूरे साल में आप क्रेडिट कार्ड से ₹5,00,000 स्पेंड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 10,000 एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट ऑफर किए जाते हैं। वहीं अगर ये अमाउंट बढ़कर ₹8,00,000 का हो जाता है तो यहाँ पर आपको अगेन 5,000 एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो ऑफर किए जाते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपको EMI फैसिलिटी मिलती है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या प्रोडक्ट आप बाय करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन या कोई भी प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू ₹2,500 से अधिक है तो आप उस अमाउंट को EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड में अप टू 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड आपको मिलता है, जिसमें 30 दिन आपके बिलिंग साइकिल के होते हैं प्लस 20 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं एज अ ग्रेस पीरियड। क्रेडिट कार्ड में 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है सभी फ्यूल आउटलेट पर, मिनिमम ट्रांजेक्शन 400 एंड मैक्सिमम 5,000 रुपीज पर। बात करें डाइनिंग बेनिफिट की तो यहाँ पर आपको गुड फूड ट्रेल प्रोग्राम के तहत 7.5% तक का डिस्काउंट मिलता है स्विगी डाइन आउट के जरिए, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा ये जो बेनिफिट है आपको स्विगी ऐप के जरिए ही मिल पाएगा। बात करें एडिशनल फीचर्स की तो यहाँ पर जीरो लॉस्ट का लायबिलिटी का बेनिफिट आपको मिलता है, यानी कि अगर आपका कार्ड खो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है तो आप इंस्टेंट कस्टमर सर्विस में कॉन्टैक्ट करके कंप्लेंट करा देते हैं। इनकेस अगर आपके कार्ड से किसी तरीके की कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो जाती है तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 2% का फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्ज यहाँ पर आपको लगता है जो दूसरे कार्ड में जनरली 3 या 3.5% का होता है। रिवॉल्विंग क्रेडिट की फैसिलिटी आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलती है, यानी कि मिनिमम पेमेंट आप इस क्रेडिट कार्ड में कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना है कि मिनिमम पेमेंट पर आपको जो है एडिशनल चार्जेस लगते हैं तो वो आपको कम से कम ही करनी है। 24/7 कस्टमर कंसियर्ज सर्विस आपको इस क्रेडिट कार्ड में भी ऑफर की जाती है। इनकेस आपको ट्रैवल बुकिंग, होटल बुकिंग से रिलेटेड किसी तरीके की हेल्प की जरूरत है तो आपको एक नंबर जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है जिस पर कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। बात करें ट्रैवल बेनिफिट्स की, यानी कि लाउंज एक्सेस के बेनिफिट की, तो यहाँ पर आपको 12 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस का जो बेनिफिट है वो दिया जाता है। इसके अलावा 6 आपको एडिशनली इंटरनेशनल मिलते हैं। अब जो 12 हैं वो आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड में ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा जो एडिशनल 6 लाउंज एक्सेस के बेनिफिट हैं वो आप ले सकते हैं प्रायोरिटी पास के जरिए। क्रेडिट कार्ड में रेगुलर लाउंज एक्सेस का बेनिफिट लेने के लिए आपको एक कैलेंडर क्वार्टर में ₹1,00,000 की ट्रांजेक्शन करनी होगी। दोस्तों ये जो कंडीशन है वो पहले नहीं थी, जिसे 1 दिसंबर 2023 से बैंक ने लागू किया है, यानी कि अगर आप अब क्रेडिट कार्ड में लाउंज एक्सेस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो पिछले कैलेंडर क्वार्टर में आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कम ₹1,00,000 की ट्रांजेक्शन की होनी चाहिए। वहीं प्रायोरिटी पास पर मिलने वाली बाकी 6 लाउंज एक्सेस का बेनिफिट लेने के लिए आपको प्रायोरिटी पास की जरूरत होगी, जिसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड आने के बाद में 4 रिटेल ट्रांजेक्शन करने के बाद अप्लाई करना होगा दोस्तों। वहीं प्रायोरिटी पास पर 6 विजिट आपके कंप्लीट हो जाने के बाद जब आप 7वीं विजिट के लिए जाएंगे तो यहाँ आपको $27 प्लस चार्जेस, यानी कि जो प्लस टैक्सेस है वो पे करने होंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी दोस्तों कि आपका स्पेंडिंग बेस माइलस्टोन बेनिफिट जो आपको मिल रहा है, यानी कि जो लाउंज एक्सेस की फैसिलिटी आपको मिल रही है, तो उसमें आप मैक्सिमम 2 ही वाउचर एवरी क्वार्टर में अवेल कर सकते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट के तौर पर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अगर बात करें क्रेडिट कार्ड में मिलने वाले इंश्योरेंस बेनिफिट की तो यहाँ पर आपको एयर एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलता है ₹1,00,000 का, इमरजेंसी
ओवरसीज हॉस्पिटलाइजेशन कवर मिलता है अप टू 15 लाख रुपीस का। इसके अलावा लॉस्ट कार लायबिलिटी कवर आपको मिलता है अप टू 9 लाख रुपीस का। इसके अलावा यहाँ जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट आप अर्न करते हैं उन्हें आप मल्टीपर्पज यूज में जो है ले सकते हैं। आप चाहे फ्लाइट या होटल बुकिंग कर सकते हैं, एयर माइल के तौर पर कन्वर्ट करा सकते हैं, कैटलॉग में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैटलॉग में अगर आप कुछ कुछ बाय करना है वहां पर आप उसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो उन्हें कैश में भी एडजस्ट करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के एनुअल फी एंड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी है 2,500 रुपए प्लस टैक्सेस की, लेकिन बैंक यहाँ पर आपको बोलते हैं कि अगर आप पूरे साल में 3 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड से तो जो आपकी रिन्यूअल फी है वो वेवर हो जाती है। अगर बात करें क्रेडिट कार्ड एलिजिबिलिटी की तो यहाँ पर सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर इनकम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप सैलरीड हैं तो आपकी मंथली इनकम जो है कम से कम 1 लाख रुपए की होनी चाहिए। वहीं अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका जो एनुअल आईटीआर है वो कम से कम 12 लाख रुपए का होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा होना चाहिए। लास्ट 6 मंथ में आपने क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक में अप्लाई ना किया हो, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर डुप्लीकेसी की वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या 2024 में भी आपको रेगुलर रेगालिया के साथ में जाना चाहिए या फिर रेगालिया गोल्ड के साथ में जाना चाहिए। तो अपने पिछले वीडियो जिसमें मैंने बताया है 5 बेस्ट HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, उसमें मैंने रेगालिया गोल्ड के बारे में भी बात की है। तो यहाँ पर फीचर बेनिफिट आपको उसमें एडिशनल जो है वो मिल रहे हैं। तो क्या एडिशनल बेनिफिट मिल रहे हैं वो मैं ऑलरेडी जो है वो आपको बता चुका हूँ दोस्तों। इसी के साथ साथ अगर हम देखें एलिजिबिलिटी के मामले में, फीस के मामले में, तो दोनों जो क्रेडिट कार्ड हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में रेगालिया गोल्ड का ऑफर आ रहा है तो आप रेगालिया गोल्ड के साथ में जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और क्लियर करता चलूं दोस्तों कि यहाँ पर जो भी चीज मैंने आपको बताई है, जो भी डिटेल्स मैंने आपको बताई है, चाहे वो एनुअल फी है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सभी ओपन मार्केट के लिए होता है। इसके साथ आपको ध्यान रखना होगा कि HDFC बैंक आपको इससे कम सैलरी या दूसरे क्राइटेरिया पर भी क्रेडिट कार्ड ऑफर कर सकता है। तो अगर आप HDFC बैंक का सेविंग या सैलरी अकाउंट होल्ड कर रहे हैं तो अपने अकाउंट में लॉगिन करके भी रेगुलर ऑफर्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक का तो भी आप अपने कार्ड सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर वहां पर आपको अपग्रेड का ऑफर आता है तो अपग्रेड ऑफर के जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करा सकते हैं। अगर आप HDFC बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर HDFC बैंक के रेगुलर क्रेडिट कार्ड या फिर किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा रेगुलर वीडियोस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।